साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। आज कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे। रेजिडेंट लोग मुझे माफ करना, नीचे गलत कमेंट मत करना यार, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके खिलाफ हो, लेकिन सच्चाई तो मैं बोल के बोलना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, क्योंकि लोग मेरे पे विश्वास करते हैं। गाली देने वाले तो 2-4% हो यार, बाकी अच्छे वाले तो 95% है ना मेरे साथ, तो उनके लिए मुझे तो बोलना पड़ेगा, उनके लिए गाली भी खा लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई एक सच्चाई आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि जब भी आप, चाहे कंट्री कोई भी हो, नोट रखना, कंट्री कोई भी हो, आप ये फेसबुक, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। पहले तो क्या कि लोग अखबारों के जरिए ठगते थे, आजकल जमाना बदला, सिस्टम बदला, टेक्निकल बदल गई, और अब चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम। क्या लगता है यार, 5,000 रुपये में फेसबुक पे ऐड दिया, कनाडा जॉब, जापान जॉब, रशिया जॉब, ऑस्ट्रेलिया हमारे, मतलब ऐसे ऐसे आपको आपके फेसबुक पे ऐसे पेज आते होंगे, आपने देखा होगा, टोटल फेक, टोटल गारंटी के साथ। अगर कोई सच बता दे तो मैं आपका गुलाम रहूंगा जिंदगी भर। ये आप लोगों को ठगने के लिए बनाए जाते हैं। मैं बता दूं, अगर आप जैसे लोग हैं ना, आप जैसे लोग इसी के लायक भी होते हैं। फेसबुक पे ऐड आया, आपने नंबर लिए, कॉन्टेक्ट कर लिया, मैडम जी बोल रही है, हाँ जी आ जाओ, कोई बिना पैसे काम करवा देंगे। 6 महीने बाद वापस फोन आता है, सर मैं ठगा गया, मेरे इतने पैसे लग गए। तो भाई इन चीजों से बच लो, आजकल सब फेक हो चुका है। सबसे ज्यादा फेक कहाँ चलता है? फेसबुक पे। फेसबुक पे आप सब फेसबुक चलाते हो, और यूट्यूब सजेशन में आपका फेसबुक में सजेशन में आता है, ये पेज आते हैं, कनाडा प्लेसमेंट सर्विसेज, जापान, रशिया, या फिर कोई भी ऑल ओवर यूरोप कंट्री का, गलत का नहीं आता, क्योंकि गलत वाले तो क्या क्या उसमें चीटिंग क्या होना है, 50-60-70 हज़ार रुपये दे के आते हैं, बंदा वापस आ जाता है, समाधान हो जाता है, कौन सी बड़ी बात हो जाती है उसमें। लेकिन उसमें तो इन चीज़ों से आप बच लो, थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमेशा मेन टॉपिक मेरा ये था, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, कोई भी कंट्री, मैं कंट्री की कंडीशन नहीं बताऊंगा, कोई भी कंट्री जाएं, हमेशा मैन पावर ऑफिस रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर के अगर थ्रू आप जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होते हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि इसके बारे में मैंने 3-4 वीडियो पहले बना चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल वीडियो है, समझ रहे, इसलिए दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये इस स्थिति से मैं अभी गुजर रहा हूँ कि अगर मैन पावर के थ्रू आप जाओगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा, समझ गए बात आपको। आज से अब पूरी बातें तो मैं नहीं बता सकता यार, वो कभी दोबारा बता दूंगा, इतना ही शॉर्ट में समझ लो कि मैन पावर के थ्रू आप जाते हो, जैसे 1,000+ का लाइसेंस है, मैं आपको नीचे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं सर लाइसेंस होल्डर लाइसेंस कैसा होता है, तो मैं नीचे यहां डाल दूंगा, आप देख लेना, अगर वैसा हो तो वो मैन पावर है, वैसा नहीं है तो मैन पावर नहीं है, बात को यहां पे बिठा लेना आप, ठीक है। मुझे तो आप 500 रुपये नहीं दे सकते, क्योंकि 500 देने पड़ते हैं तब मैं इंक्वायरी दूंगा, वो आपके लिए नहीं है, वो आपके पास है ही नहीं, तो आप कहां से दोगे। तो मैं आपको फ्री में आपको सजेशन दे रहा हूं, यहां पे डाल दूंगा। अगर आप मैन पावर ऑफिस के थ्रू जाते हो और उसको सपोज करो आपने 5,00,000 रुपए दे दिए, एग्जांपल के तौर पे, ये दुबई, कतर, ये तो छोटी मोटी कंट्री है यार, थर्ड ग्रेड में आती है, फोर्थ ग्रेड में, इसकी तो कहानी नहीं है, 60-70-50-60 हज़ार रुपये बंदा देखे जाता है, कौन सा मर भी जाता है, अगर वापस भी आ जाता है। मोटा लोफा लोचा कहां होता है, जैसे आपने 5,00,000-10,00,000 कितने भी पैसे दे दिए, या उसने सपोज करो एक इंटरव्यू करवा लिया आप लोगों का, ठीक है, किसी यूरोप कंट्री के नाम से, वो है लेकिन मैन पावर, सब लोगों से 50-50 हज़ार रुपये उसने या 1,00,000 रुपये ले लिए, 20 लोगों से 20,00,000 रुपये हो गए। तो आप उस ऑफिस में जाओगे, सर हमारा काम नहीं हुआ, वो 4-6 महीने आपको गोलियां देता रहेगा। इसमें देखो मैन पावर में पैसे सेम वही कंडीशन होती है जैसे कंपनियों को सरकार बैन करती है, फिर उनकी संपत्ति अटैच कर लेती है, फिर वो संपत्ति बेच के लोगों को, पीड़ितों को पैसा चुकाती है, ऐसा सुनने में आया ना आपको। तो सेम कंडीशन मैन पावर में ये होती है कि उनकी एक एफडी होती है, समझ गए, 40-50 लाख रुपए 40 लाख रुपए की एफडी होती है, वो पीओई में जमा होती है, इंडियन एम्बेसी पीओई में, वो इसीलिए सिक्योरिटी होती है कि कल कोई ये मैन पावर वाला अगर चीटिंग कर ले और लोग अगर पीओई में शिकायत कर देते हैं एक साथ में, तो उसका लाइसेंस कैंसिल होगा, या तो वो उनका समाधान करे, उसको मौका मिलता है, 2-3 नोटिस जाते हैं, वो नोटिस पे उसको पेश होना पड़ता है, वहां पे उसको जवाब देना पड़ता है कि हाँ मैंने इस तरह संतुष्टि देनी पड़ती है कि ऐसे मैंने इंटरव्यू करवाया, पैसा लिया, मेरा गेम फेल हो गया, आगे नुकसान वगैरह वगैरह, संतुष्टि करनी पड़ती है, ठीक है। फिर उनको ये बोला जाता है कि या तो इनके पैसे चुकाओ, मैटर खत्म करो, अगर ऐसे 8-10 मैटर ऐसे हो जाते हैं उसके खिलाफ, किसके खिलाफ, मैन पावर के खिलाफ, तो फिर उसका लाइसेंस कैंसिल और उसकी एफडी का पैसा सरकार के पास, और वो पैसा फिर आप में वापस आ जाता है।
हाँ इस प्रोसेस में मैं नहीं बोलता कि तुरंत ही मिल जाता है भैया, टाइम लगता है लेकिन श्योरिटी होती है। तो हमेशा इस बात का मैंने आपको, मैं मेरी तरफ से बता रहा हूं, और आप भैया चलते हुए एजेंट को पकड़ लिया, कल को पैसा खा के भाग गया, कहाँ ढूंढोगे? अशोक वाले के नीचे, LLB के नीचे तो कमेंट कर दोगे, फिर ऑफलाइन वो जो होते हैं एजेंट उनको कहाँ ढूंढोगे आप बताओ मुझे। तो इन चीजों से थोड़ा भैया ध्यान रखना, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप बुरी लगे माफ करना यार, गलती हो गई मेरी। बाकी एजेंट लोग प्लीज कमेंट मत करना यार, मैं आपके लिए बुरा नहीं बोल रहा हूँ सब, लेकिन सच्चाई लोगों को सामने रखनी जरूरी है। तो इन चीजों का ध्यान रखें अप्लाई करने से पहले। और भैया फिर भी आपका दिमाग नहीं चले किधर, तो यार मेरे नंबर है, मुझे कॉल कर लो ना। 1-2 लाख रुपए दे रहे हो तो 500 रुपये फीस मुझे भी दे सकते हो, ताकि ईमानदारी से आपको कंप्लीट इंक्वायरी मिल जाए। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की जानकारी हर रोज आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।